नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर शोन इन द फिगर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ लूप सो द वी हैव अ स्टेडी करंट 1 एम्पियर। सबसे पहली बात, ये किस वेलोसिटी से मूव करे ये बताना है, जिससे कि करंट जो हो 1 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर का मतलब 1 × 10⁻³ एम्पियर, इतनी करंट फ्लो होने लगे इस पूरे जो है सर्किट में। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस देखो क्या है, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, तो ये वाला रेजिस्टेंस तो यूज ही नहीं होगा, बीच वाला ये दोनों 336 हो जाएगा, ये दोनों 336 हो जाएगा, 66 पैरेलल में है, तो ये टोटल इस पूरे वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मेटेलिक वायर है ये वाला, इस पूरे का रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, यानी ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट जो है वो 3 ओम है, तो टोटल नेट रेजिस्टेंस अगर बोला जाए पूरे सर्किट का, या टोटल रेजिस्टेंस अगर बोले तो कितना आएगा, 1 + 3 = 4 हो जाएगा, R R + RE = 1 + 3, यानी 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब जब ये मूव करेगा, इसकी लेंथ है L, है L की वैल्यू 0.1 मीटर दिया हुआ है, L = 0.1 मीटर दिया हुआ है। जब ये मूव करेगा तो ये रॉड ये फ्लक्स को फील्ड लाइन को कट करेगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, बीएलबी होता है, जनरली एक रॉड मूव करता है तो बीएलबी होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ई अपॉन आर टी, ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा कितना, बीएलवी बाई आर टी, ये करंट हो गया। अब करंट की वैल्यू अगर आप निकालो, बी की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, L की वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर इंटू वेलोसिटी आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू है 4 ओम। अच्छा, करंट की वैल्यू कितनी है, 10⁻³। अगर इस तीनों को सॉल्व, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें, तो V इज इक्वल टू 4/2 इंटू 0.1 × 10⁻³, ये गया इससे, ये 10⁻¹ होगा, ऊपर जाएगा +1 होगा, 2 × 10⁻², वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, या कहो तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।